स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दानी लांचल क्लासेस पर। मैं हाजिर हूँ फिर से टॉप 10 करंट अफेयर के साथ। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन जानने से पहले हम कल का आंसर जान लेते हैं। कल का क्वेश्चन था, विश्व का सबसे बड़ा रक्त परीक्षण केंद्र किस देश ने शुरू किया है? तो जिसका सही आंसर है ब्रिटेन। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है, वर्ष 2021 में अंतर्राष्ट्रीय बघिर सप्ताह कब से कब तक मनाया जाएगा? इसके चार विकल्प हैं, ऑप्शन ए 20 से 26 सितंबर, ऑप्शन बी है इसका 20 से 28 सितंबर, 20 से 28 सितंबर, ऑप्शन सी है इसका 20 से 25 सितंबर और ऑप्शन डी है इसका 23 से 29 सितंबर। रविवार वाले सप्ताह में तो मनाया जाता है। तो इसे मनाया जाता है हर साल सितंबर माह के अंतिम रविवार वाले सप्ताह में। स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी इसकी 23 सितंबर 1951 में इसकी क्या हुई थी स्थापना। बात करें इसके जो अध्यक्ष हैं तो इसके अध्यक्ष हैं जोसेफ मरे। जोसेफ मरे क्या है इसके अध्यक्ष मरे अध्यक्ष हैं। बात करें 2021 की तो उसकी थीम क्या है? तो उसकी थीम है उत्पन्न बघिर समुदाय का जश्न मनाना। थीम क्या है? उत्पन्न बघिर समुदाय का जश्न मनाना। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें जाना कि वर्ष 2021 में अंतरराष्ट्रीय बघिर सप्ताह कब से कब तक मनाया जाएगा। तो ये मनाया जाएगा 20 से 26 सितंबर तक। कब मनाया जाता है? हर साल सितंबर माह के अंतिम रविवार वाले सप्ताह में। बात करें अंतरराष्ट्रीय बघिर की जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 23 सितंबर 1951 को। अध्यक्ष है इसके जोसेफ मरे। थीम है उत्पन्न बघिर समुदाय का जश्न मनाना। इसी के साथ मूव ऑन करेंगे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? जिसके चार विकल्प इस प्रकार है,
22 सितंबर, ऑप्शन बी है इसका 20 सितंबर, ऑप्शन सी है इसका 21 सितंबर 21 सितंबर, और ऑप्शन डी है इसका 23 सितंबर। तो दोस्तों जल्दी से कमेंट करके बताइए अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 21 सितंबर। 2021 की थीम क्या है? तो एक न्याय संगत और एक न्याय संगत और एक न्याय संगत और सतत विश्व के लिए बेहतर पुनर्प्राप्ति जारी किया है। तो आपको बताना है जो फसाई का जो तीसरा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक है वो किसने जारी किया, जिसके चार विकल्प हैं। ऑप्शन ए राजनाथ सिंह ऑप्शन बी है इसका मनसुख मांडविया ऑप्शन सी है इसका उर्जित पटेल ऑप्शन डी हो जाएगा इसका गुरमीत सिंह। फसाई का तीसरा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 किसने जारी किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मनसुख मांडविया। बात करें मनसुख मांडविया की तो ये कौन है, तो ये है केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री। कौन है? केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री अगर बात करें तो इसमें कितने राज्य को शामिल किया गया है, तो 9 प्रमुख राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है। 9 प्रमुख राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इसमें शामिल है अगर बात करें केंद्र शासित प्रदेश की, तो कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं इसमें? दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से शामिल है इसमें? जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह अगर बात करें कौन कौन से राज्य शामिल है, तो इसमें राज्य शामिल है गुजरात, केरल,
केरल, तमिलनाडु, गुजरात, केरल, तमिलनाडु, गोवा, मेघालय और मणिपुर। और मणिपुर इसमें शामिल है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमने जाना कि फसाई का जो तीसरा खाद्य सुरक्षा सूचकांक है वो किसने जारी किया, तो वो जारी किया है मनसुख मांडविया ने। मनसुख मांडविया की बात करें तो कौन है ये, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री। कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल है, 9 प्रमुख राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इसमें शामिल है। बात करें कौन कौन से राज्य शामिल है, गुजरात, केरल, तमिलनाडु, गोवा, मेघालय, मणिपुर इसमें शामिल है। और केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से, जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह इसमें शामिल है। इसी के साथ मूव ऑन करेंगे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार से है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया। तो आपको बताना कि जो मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय है उसका नाम चेंज करा गया, तो क्या नाम रखा गया उसका नाम बताना है आपको। ऑप्शन चार विकल्प है, ऑप्शन ए है कृष्ण राज विश्वविद्यालय, कृष्ण राज विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी है इसका राजा शंकर विश्वविद्यालय, राजा शंकर विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी है इसका इंद्रदेव, इंद्रदेव विश्वविद्यालय, और ऑप्शन डी है इसका हरिजीत सिंह विश्वविद्यालय, हरिजीत सिंह विश्वविद्यालय। दोस्तों जल्दी से कमेंट करके बताइए मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम चेंज करके क्या रख दिया गया है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा राजा शंकर विश्वविद्यालय। बात करें किसने चेंज किया है, तो ये चेंज किया मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने बदला है। मुख्यमंत्री कौन है, शिवराज सिंह ने। सिंह ने इसको चेंज किया है। अब बात करें छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम क्या था, तो वो है राजा शंकर विश्वविद्यालय। किसने चेंज किया है नाम, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने। इसी के साथ मूव ऑन करेंगे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार से है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वीं पूर्वी एशियाई ऊर्जा मंत्रालय की बैठक 2021 की अध्यक्षता किस देश ने की है। तो आपको बताना है जो पूर्वी एशियाई की 15वीं बैठक हुई है ऊर्जा मंत्रियों की, उसकी अध्यक्षता किसने की है। तो जिसके चार विकल्प है, क्वेश्चन नंबर 5, अफ्रीका, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है ब्रुनेई, और ऑप्शन डी है इसका रूस। तो दोस्तों जल्दी से कमेंट करके बताइए कि किस देश ने 15वीं एशियाई ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रुनेई। अगर कौन सी संस्करण है इसका, संस्करण कौन
उद्देश्य है इसका ऊर्जा सुरक्षा और ऊर्जा सुरक्षा और ऊर्जा ट्रांजेक्शन के लक्ष्य को आगे बढ़ाना। क्या उद्देश्य है इसका? ऊर्जा सुरक्षा और ऊर्जा ट्रांजेक्शन के लक्ष्य को आगे बढ़ाना। अगर थीम की बात करें 2021 की थीम है वी केयर वी प्रिपेयर। थीम है इसकी वी केयर वी प्रिपेयर वी प्रॉस्पर। हाल ही में समुद्री अभ्यास समुद्र शक्ति का तीसरा संस्करण किन दो देशों के बीच हुआ है? तो आपको बताना है जो समुद्री संस्करण इसका नाम है समुद्री शक्ति का जो तीसरा संस्करण हुआ है वो किन दो देशों के बीच हुआ है जिसके चार विकल्प है भारत और सिंगापुर। ऑप्शन बी है इसका भारत और जापान। भारत और जापान। ऑप्शन सी है भारत और रूस। ऑप्शन डी है इसका भारत और इंडोनेशिया। भारत और इंडो नेशिया। दोस्तों जल्दी से कमेंट करके बताइए समुद्र शक्ति का तीसरा संस्करण किन दो देशों के बीच हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत और इंडोनेशिया के बीच। समुद्र शक्ति किसका अभ्यास है? तो यह नेवी का। समुद्र शक्ति किससे संबंधित है? नेवी से। कौन सा संस्करण है? थर्ड। कहां पर हो रहा है? तो ये हो रहा है सूडा जनरल के जो इंडोनेशिया के पास पड़ता है सूडा चैनल इंडोनेशिया के पास। बात करें भारत की तो भारत की तरफ से कौन कौन सी शिप इसमें शामिल है? तो INS शिवालिक और किदमत। भारत की तरफ से कौन कौन शामिल है? INS शिवालिक और INS किदमत। तो इस क्वेश्चन में हमें जाना कि समुद्र शक्ति जो सैन्य अभ्यास है वो किस किस के बीच हो रहा है? तो भारत और इंडोनेशिया के बीच हो रहा है। भारत की तरफ से कौन कौन से शिप शामिल है? INS शिवालिक और INS किदमत। जो समुद्र शक्ति है कैसा किसका है? ये नेवी का है। थर्ड संस्करण है। कहां पर हो रहा है? सूडा जनरल जो कि इंडोनेशिया के पास पड़ता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है, बच्चों का सामूहिक टीकाकरण शुरू करने वाला पहला देश कौन सा है? तो इसमें आपको बताना है जो बच्चों का सामूहिक टीकाकरण होगा वो करने वाला कौन सा देश है। तो इसके चार विकल्प है, ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी है इसका क्यूबा, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है इसका रूस। तो दोस्तों जल्दी से कमेंट करके बताइए बच्चों का सामूहिक टीकाकरण करने वाला कौन सा पहला देश है। इसका सही आंसर है क्यूबा। क्यूबा बच्चों का सामूहिक टीकाकरण करने वाला पहला देश बन गया है। अगर बात करें क्यूबा कहां पर है, क्यूबा कहां स्थित है, तो यह है कैरिबियाई सागर में। सागर में स्थित है। बात करें क्यूबा की कैपिटल क्या है, क्यूबा की कैपिटल है हवाना। क्या है क्यूबा की कैपिटल, तो हवाना। बात करें राष्ट्रपति कौन है, तो वो है मिगेल डियस कानले। मिगेल डियस कानले कौन है, तो ये क्यूबा के राष्ट्रपति हैं। कौन है, राष्ट्रपति। दोस्तों इस प्रश्न में हमें जाना कि बच्चों का सामूहिक टीकाकरण करने वाला पहला देश कौन सा है। तो जिसका सही आंसर है क्यूबा। क्यूबा कहाँ स्थित है, तो ये कैरिबियाई सागर में स्थित है। राजधानी है इसकी हवाना और राष्ट्रपति है मिगेल डियस कानले। इसी के साथ मूव ऑन करेंगे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार से है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश से 2080 मीट्रिक टन हिंसा मछली निर्यात करने की घोषणा की है। ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है चीन और ऑप्शन डी हो जाएगा जापान। तो दोस्तों जल्दी से कमेंट करके बताइए भारत ने 2080 मीट्रिक टन हिंसा मछली किस देश से निर्यात करने की घोषणा की है। इसका सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, तो शेख हसीना। प्रधानमंत्री शेख हसीना। शेख हसीना कौन है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति कौन है, अब्दुल हमीद। कौन है आगे राष्ट्रपति। अगर बांग्लादेश की राजधानी की बात करें तो वो क्या है, ढाका। राजधानी है ढाका और यहाँ की मुद्रा क्या है, मुद्रा है टका। इस क्वेश्चन में हमें जाना कि भारत ने किस देश से 2080 मीट्रिक टन हिंसा मछली लेने निर्यात करने की घोषणा की है। तो इसका सही आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है, शेख हसीना। राष्ट्रपति कौन है, अब्दुल हमीद। राजधानी है ढाका और मुद्रा है यहाँ की टका। इसी के साथ मूव ऑन करेंगे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार से है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में
आईएमएफ ने किस देश को दिए जाने वाले फंड पर रोक लगा दिया है? तो आपको बताना है आईएमएफ ने किस जो देश को फंड देता था कौन से देश पर रोक लगा दी है, जिसके चार विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के चार विकल्प हैं। ऑप्शन ए है नेपाल, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी है इसका अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, ऑप्शन डी है पाकिस्तान। तो दोस्तों जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आईएमएफ ने किस देश को फंड देने से रोक लगा दी है। इसका सही आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। बात करें आईएमएफ की, आईएमएफ इसकी स्थापना हुई थी 1944 में, स्थापना 1944, मुख्यालय इसका वाशिंगटन डीसी। डीसी क्या है इसका मुख्यालय है। बात करें आईएमएफ की फुल फॉर्म, तो इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसकी फुल फॉर्म है। इस क्वेश्चन हमने जाना आईएमएफ ने किस देश को फंड देने से रोक लगा दिए, तो वो है अफगानिस्तान। बात करें आईएमएफ की, तो जिसकी स्थापना होती है 1944 में, मुख्यालय कहां पर इसका वाशिंगटन डीसी में, और आईएमएफ की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसी के साथ मूव ऑन करेंगे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार से है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? क्वेश्चन नंबर 10। तो आपको बताना है जो नवाचार सूचकांक जारी हुआ है उसमें भारत का कौन सा स्थान है। ऑप्शन ए 46, ऑप्शन बी 78, ऑप्शन सी 35, ऑप्शन डी है इसका 48। तो दोस्तों जल्दी से कमेंट करके बताइए भारत का स्थान विश्व वैश्विक नवाचार सूचकांक में कौन सा है। तो भारत का स्थान है 46। बात करें वैश्विक नवाचार सूचकांक कौन जारी करता है, तो वो जारी करता है विपो, WIPO। बात करें विपो की फुल फॉर्म है, तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। बात करें विपो की, तो इसका गठन कब हुआ था, इसका गठन हुआ था 1967 में, गठन 1967 में। बात करें इसके मुख्यालय की, तो मुख्य कहां पर है इसका, स्विट्जरलैंड में। इस क्वेश्चन में हमने जाना हाल ही में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है। भारत का कौन सा स्थान है 46। इस सूचकांक को कौन जारी करता है, विपो जारी करता है, जिसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसका गठन कब हुआ है 1967 में, मुख्यालय कहां पर है स्विट्जरलैंड में,
इसी के साथ मूव ऑन करेंगे आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार से है। आज का लास्ट क्वेश्चन है आईपीएल की किसी एक टीम के लिए 200 मैच खेलने वाला पहला खिलाड़ी कौन सा है। तो आपको बताना है आईपीएल की जो टीम है किसी एक टीम के लिए 200 मैच खेलने वाला खिलाड़ी कौन सा है, जिसके चार विकल्प हैं। ऑप्शन ए युवराज सिंह, ऑप्शन बी है इसका विराट कोहली, ऑप्शन सी है इसका रविंद्र सिंह, ऑप्शन सी है इसका हरभजन सिंह। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में करके बताना है। आई होप आपको क्लास समझ आई हो। क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।